हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की व्लॉग में अभी हो रही है शाम और बज रहे हैं, आज मैंने घड़ी नहीं पहनी और नाना के घर में आज पेंट वगैरह का काम शुरू हो गया, तो दीपावली भी आने वाली है ना इसलिए। और अभी मैं ट्यूशन से आ रहा हूँ जस्ट, और बारिश तो आप देख ही सकते हो कि बंद हो गई पूरी। तो मैंने सुबह वीडियो बनाना भूल गया, नहीं तो इतना अच्छा लैंड से बाहर था ना उस साइड का कि आप देखते देखते रह जाते हैं। मैं सोच रहा था कि हसूड़ी जाता तो हसूड़ी से नीचे कैसे दिखता। तो तीन दिन पहले कितने लोग मर गए ना नैनीताल हल्द्वानी में, डिजास्टर है। तो इतनी ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती, खतरनाक साबित हो सकती है। If there any doubts, we see to it that we satisfy you, and that's how we work. So it's a very transparent. So the aptitude test conducted in, let's say, the US or the UK is like this. तो गाइस, ये हमारे नाना जी। नाना जी, आप कितने साल के हो? मैं? हाँ। लगने नाले में बाला। हाँ। तो आप तो बहुत हेल्दी हो। तो क्या करना है। हाँ। तो गाइस, नाना जी पुराने जमाने के हैं, तो आप सोच सकते हो कि 99 साल के नाना जी, तो नाना जी को पुराने जमाने की बहुत सारी चीज आती होगी। हाँ। नाना जी गाना गा दो प्लीज, पुराने जमाने का। मैं? हाँ। मंगलो भगवान सर्व मंगल मंगल हो जय भगवान, फूल खावा। तो अभी ऊपर वाले कमरे में चल रहा था, तो अभी पुट्टी की फर्स्ट कोटिंग हुई है, सेकंड कोटिंग अभी बाकी है। तो बाकी वगैरह सब कुछ रिपेयर हो रहे हैं, जितनी भी गड्ढे वगैरह हुए उनको भर रहे हैं पुट्टी से। और एक बार मौसम में नज़र डाले तो गाइस देखो कितना सुहाना मौसम हो गया आज। सुबह तक कैसा था ना, ऐसा लग नहीं रहा कि आज सुबह बारिश आ रही थी। बोले कैसे वे ना जा। और मौसम भी है पकने की कार में। टीटू कहाँ है? पता नहीं, मैं तो झाड़ू मार दी। तो मतलब अभी बहुत काम बच रखा है समेटने वगैरह, क्योंकि अभी दूसरे कमरों में पेंट लगेगा तो अब समेटना पड़ेगा सब सामान। तो गाइस, अब टाइम आ चुका है मेरे खेलने का, तो मैं जा रहा हूँ खेलने। तो चलो, तो आज मैं दूसरा रैकेट ले जा रहा हूँ, क्योंकि पहला वाला रैकेट में वायर्स टूट गई उसकी, इसलिए दूसरा ले जाना पड़ रहा है। और ये मुझे बहुत अच्छा पड़ा क्योंकि इसको कम से कम 3 साल हो गए होंगे और मैं खेलता जा रहा हूँ 3 साल से। इससे अमेजोन से मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। तो मिलते हैं आप सीधा मार्केट में, आने की तैयारी में लग रहा है मेरे साथ। अंदर चल, अंदर जा, चल अंदर। बस अब टीटू को मान देंगे। ठीक है टीटू, चल ठीक है। और परसों करवा चौथ भी है 24 तारीख को, तो दुकानें सज रखी होगी। और भाई सॉरी, कैसी बीती थी तेरी दशहरे की छुट्टियां? दशहरे की छुट्टियां अच्छी हुई थी। मौसा जी प्रणाम, मौसी प्रणाम, कैसी चल रही मौसा जी तैयारी? अरे बस मजा मजे। करवा चौथ है तो आप बिजी हो जाओगे ना बहुत। हाँ, मैं तो सुबह से बिजी हूँ। आप तो वैसे बैठ रही हो मौसा जी का, मौसा जी का दे दिया। मैं थक गई ना, इसका बिजी पूरा। मैं थक गई, देखो ना लग रहे ना। मुझे क्या दिखा रही हो, वो तो आपकी मर्जी है ना। तेरी बीवी भी तो लेंगी तो। मैं शादी नहीं करूंगा, इन बोली तेरी जेब भी कटेगी। हाँ, शादी करना पाप है। नहीं भाई, तो मिलेगी। एक बार जो शादी की जान में फंस गया तो निकल ही नहीं सकता। साथ था, कहाँ जा रहा है? दुकान। तो गाइस, प्राची का भी हो रहा है टेस्ट नैट वाला। कैसा जा रहा है तेरा टेस्ट? बहुत अच्छा, सारे क्वेश्चन कर लिए एक मिनट में। तो गाइस, मेरा नेट का टेस्ट तो सुबह हो गया था, प्राची का शाम को हो गया था। मुझे मेरी मौसी ने बताया कि नेट का एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने सोचा हम भी ट्राई कर ले एक बार। सही है, मतलब टाइम पास भी सही है उससे, और थोड़ा नॉलेज के लिए भी सही है कि इसे पता चल जाता है कि पेपर में एसआईटी पेपर में कैसा पैटर्न आता है। तो 90 क्वेश्चन आए थे मेरे और मैंने 1.5 घंटे में सॉल्व कराया, प्राची ने तो 10 मिनट में सॉल्व कर दिया। और उसका अभी तक सबमिट नहीं करा, सबमिट आप करेंगे प्राची का। मेरा सुबह हो गया था, तो मतलब बहुत ज़्यादा मजा आया इस टेस्ट में, तो आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगले साल जब होगा
तो मैं आपको भी लिंक शेयर करूंगा, आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, 90 क्वेश्चंस भी इतने प्यारे क्वेश्चंस ना, फर्स्ट बार ट्राई करके कैसे रिजल्ट आते हैं तो देखते हैं और आपको भी बताएंगे, मतलब ऑनलाइन इस तरह से मैंने पहली बार टेस्ट दिया होगा कोई। तो गाइज अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करते रहना, और हमारे पास 500 की फैमिली तो हो ही गई, अब जल्दी गाइज 1000 की फैमिली कंप्लीट कर लेते हैं ब्लॉग के साथ साथ। तो मिलते हैं ब्लॉग में, अभी के लिए बस इतना ही, तो बाय।